तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स के स्टॉक के बारे में। बर्जर पेंट्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाइयर हाई हाइयर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर रजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने मिली और अभी हमको जो ये स्टॉक है वो यहाँ पर लगातार इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी वन साइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.52% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ अभी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 585 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 607 और अगर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 632 इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 672 और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से भी हमको स्टॉक में अगेन 700 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 725-750 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 566 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 550 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन 537 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए। धन्यवाद।